शिक्षा के लिए है, ये मार्च हर विद्यार्थी के शिक्षा के अधिकार के लिए है। वी बिलीव दैट एजुकेशन इज़ अ राइट एंड शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही कॉर्पोरेटाइज मूव है। इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन एजुकेशन इन ऑर्डर टू डिटर स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग, इन ऑर्डर टू डिटर स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स लाइक टू एक्सेस एजुकेशन, एंड वी स्टैंड अगेंस्ट दैट। ऑलराइट, और हम ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सैफ्रनाइज्ड करने का एक तरीका आया है आगे, कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को सैफ्रनाइज करना चाहती है, इस पे आपका क्या कहना है? वी बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज सिस्टमेटिकली अटैकिंग द यूनिवर्सिटीज दैट आर क्रिटिकल ऑफ देम एंड द ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द 60 यूनिवर्सिटीज विद नो डिस्कोर्स डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स दैट। स्टूडेंट, आई फील कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम टीचर्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा टाइम आ चुका है जब DU, JNU सारी जगह एक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हो रहा है। इसके कारण और इसके साथ साथ ही करते हुए अगर हमने अभी नहीं बोला, अगर एज स्टूडेंट्स वी डोंट से, तो आगे जाके जो मेरी फीस है 18,000 वो जाके कभी 30, 40, 50 हो जाएगी। जो हम 98% लेकर इस DU में आते हैं इसका एक्सपोजर लेने के लिए, इसकी फ़ीस के लिए, इसके 3 साल करिकुलम के लिए, वो सारा चला जाएगा। कई साल पहले जब स्कूल्स प्राइवेटाइज हुए थे उसका भी यही हाल हुआ था। अभी वी नो कि जो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका क्या हाल है, किस साटा के लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका क्या हाल है, उनकी एडुकेशन कैसी है। दैट इज़ गोना हैपन इन 2 हायर एजुकेशन कॉलेजेस एज वेल। JNU ऑलरेडी ऑटोनॉमस हो चुका है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑटोनॉमस हो चुकी है, BHU ऑलरेडी ऑटोनॉमस हो चुका है। This is a matter of concern at this particular point of time. अगर हम आज नहीं आए, अभी नहीं बोलेंगे, then पिछले 5 साल में, 10 साल आगे 5 साल में, 10 साल में हमको ये जो मिल रहा है, जो करिकुलम मिल रहा है, जिसके लिए हम लड़ तड़ कर आते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। आगे पोस्ट ग्रेड करना है, MPhil करना है, PhD करना है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे?